हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रांशु शुक्ला फ्रॉम स्टर्लिंग स्कूल बरामा जौनपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द साइंस ऑफ क्लास फिफ्थ। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको हम आज की वीडियो में आपको लेके चलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ तक पहले मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था बेटा, मैच द फॉलोइंग तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें, एक सेकेंड, देखिए बेटा यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर देना है। तो सबसे पहले है डिफाइन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप डिफाइन करोगे। तो जर्मिनेशन बेटा किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं जर्मिनेशन किसको कहते हैं। देखिए, लिखिए आप लोग मेरे साथ आंसर नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो into a young plant called germination। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द एजेंट दैट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। वो कौन कौन से एजेंट हैं जो कि सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो बताइए कौन कौन से एजेंट हैं जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो आप बेटा लिखेंगे वाइंड, वाटर, ह्यूमन एंड एनिमल। ओके, आंसर नंबर थर्ड में हम आपको लेके चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वाई डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी, यानी सीड का डिस्पर्सल क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी होता है। तो आप लिखोगे सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ सीड because of seed a kind of plant get spread widely। ठीक, इसको आप लोग लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एक्सप्लेन ब्रीफली। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना अफेक्शन करते हैं। तो इसको आप लिखेंगे ऐसा, मैं फोर्थ में लिखेंगे, दीज फैक्टर्स आर सॉयल और क्लाइमेट, सीजन एंड, सीजन के बाद आप लिखेंगे एंड सीजन, बस सीजन। ठीक है, सॉयल, क्लाइमेट और सीजन अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो सॉयल हेल्प इन
proper growth of root as well as shoot. Okay, फिर अगले पॉइंट में इसी में लिखेंगे, इसी आंसर में लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे. variety of plant, variety of plant adopted different climate. उसके बाद next point लिखेंगे season also affect the plants as rabi crops and kharif crops. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे फोर्थ हो गया डिफाइन क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. क्रॉप और एग्रीकल्चर को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? आंसर नंबर फिफ्थ, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? देखिए प्लांट that grow in large quantity called crop and practice of crops called agriculture. okay, ये हो गया इतना. अब आप आंसर नंबर सिक्स देखेंगे, आंसर नंबर सिक्स को हम देखेंगे यहाँ पे. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप, हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो लिखेंगे वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप बाय बिल्डिंग around the field by keeping scarecrows, by spraying insecticides and pesticides. okay, ये आपका कन्फर्म हो गया बेटा. अब आपको अगले वीडियो में हम लेके चलेंगे आपके अगले चैप्टर एनिमल्स वर्ल्ड में. तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए. थैंक यू.